गोरखपुर जिले में मंगलवार को 133 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज के दौरान एक 32 वर्षीय युवक और एक 59 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 18,247 हो गई है। इनमें से 300 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,559 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,388 कोरोना मरीज एक्टिव है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि शहर के 87 नए मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में मंगलवार को सबसे अधिक 28 मरीज शामिल है। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 18, शाहपुर थाना क्षेत्र में 20, कोतवाली में 5, रामगढ़ताल में 4, राजघाट में 5, तिवारीपुर में 2, चिलुआताल में 2, गुलहरिया में 3 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 44 नए मरीज मिले हैं। इसमें चरगावा में 12, कोराबार में 7, खजनी में 7, सरदारनगर में 2, पाली में 1, सहजनवा में 1, भटहट में 2, गोला में 2, ब्रह्मपुर में 2, गघा में 4, पिपरौली में 2, बढ़लगंज में 1, पिपराइच में 1 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों के 2 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाए स्वस्थ और सुरक्षित।